जहां पर अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई है। ढाबे के पास ब्रिज के नीचे बस गिरी है। हादसे में दो यात्रियों की मौत हुई है, 43 यात्री घायल हुए हैं। घायल को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। ये इंदौर से गुना बस जा रही थी, देर रात की घटना है। अरुण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अरुण, 43 यात्री घायल हुए हैं, सभी को एडमिट करा दिया गया है, और हादसे की वजह कुछ अभी आपको पता चली है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये बालाजी ट्रेवल्स की ये बस थी जो कि इंदौर से शिवपुरी की ओर जा रही थी और पशोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सदगुरु ढाबे के पास में ये ओवरब्रिज पे से नीचे गिरी है, जिसमें 40 यात्री जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको शाजापुर जिले में चिकित्सालय नजदीक होने की वजह से वहां उनको रेफर किया है। और बता दें कि दो यात्रियों की इसमें मौके पर मौत हो गई है, और कारण जो बताया जा रहा है, दरअसल अभी जो सूत्रों से जानकारी निकली है, जो कारण अभी पता चले हैं, वो यही चला है कि ये ओवरलोडिंग की वजह से दरअसल ये एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि गाड़ी में जो यात्री जो सवार थे वो तकरीबन 53 यात्री जो थे, 53 यात्री सवार थे, और उसके बाद में उसमें कई सारा लगेज भी रखा हुआ था, जिस वजह से संभावना जताई जा रही है कि ये ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा हुआ है। एक बात अरुण ने बताया, ओवरलोडिंग। दूसरी अरुण, 43 यात्री घायल हैं, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि प्राथमिक उपचार कुछ जो यात्री थे उनको यहाँ लोकल अस्पताल में दे दिया गया, लेकिन छोटा अस्पताल होने की वजह से जिला चिकित्सालय और शाजापुर नजदीक होने की वजह से शाजापुर चिकित्सालय में यहाँ से यात्रियों को रेफर किया है, जिनका जो इलाज है वहाँ पे जारी है। जो दो लोगों की मौत हुई उनकी शिनाख्त वगैरह हो गई, उनके परिवार वालों को जानकारी दे दी गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, एक यात्री की शिनाख्त कर दी गई है जो कि अशोकनगर जिले के गांव का रहने वाला है, और वहीं दूसरा जो मृतक है यात्री, उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, और जहां अभी पुलिस उसके शिनाख्त में लगी हुई है। चूंकि मध्य प्रदेश में कई खटारा बसें चलती हैं, बस की स्थिति कैसी थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, बस की स्थिति तो सही थी, बस भी लंबी लाइन पर चलने वाली बस, बड़ी बसें थी और या ऐसी कोच बस थी, लेकिन बता दें कि ओवरलोडिंग का दरअसल इस हाईवे जो है इस पे ज्यादा व्यापार होता है, और अधिकतर एक्सीडेंट जो होते हैं वो ओवरलोडिंग की वजह से ही यहाँ पे होते हैं। ओवरलोडिंग एक समस्या है और इस समस्या से बचना होगा। बहुत शुक्रिया अरुण श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए।